हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको लॉकडाउन फॉलो क्यों करना चाहिए, व्हाई यू शुड फॉलो लॉकडाउन, इफ़ यस देन हाउ एंड व्हाई। तो अब मैं आपको, जब तक मैं आपको कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन फॉलो करने के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, चंद बातें, तब तक आप ये रोमांचक नज़ारा देखें। लॉकडाउन फॉलो करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन में आपकी सेफ्टी है। अगर आप लॉकडाउन फॉलो करके, लॉकडाउन के रूल फॉलो करके घर में रहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ, अगर आप घर में रहेंगे तो घर में आप सेफ रहेंगे। और आपको भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना क्योंकि वहाँ भीड़ वाली जगह में कोरोना के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वैसे भी हम, ये तो है नहीं कि हम दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर से बाहर रहते हैं, तो हम वैसे भी घर में रहते हैं, तो अभी भी हम घर में रह सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अभी घर में ही रहें जब तक लॉकडाउन हट नहीं जाता, और इसके रूल्स को फॉलो करें जो गवर्नमेंट दे रही है, और तब तक आप इसका रोमांचक दृश्य का आनंद लें। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, ऐसे बारिश आने वाली है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, तो मुझे तो वीडियो बनाने में काफ़ी आनंद आ रहा है। और बाकी आप भी इस दृश्य को देख के आनंद लें। तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि आपको कोरोना की गाइडलाइन क्यों फॉलो करनी चाहिए। गाइडलाइन फॉलो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो इसका, ये एक वायरस के कारण होता है, तो वायरस एक नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है जिसको आप न तो लिविंग कह सकते हैं और न नॉन लिविंग। इसको नॉन लिविंग इसलिए कह सकते हैं, ये नॉन लिविंग तब तक नॉन लिविंग स्टेट में रहता है जब तक ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद ये शरीर में अपने नंबर्स बढ़ाता है और उसके बाद ये अपना इफेक्ट शो करता है। तो जब तक ये आपके नंबर बढ़ाता है तब तक आपको इसका पता भी नहीं चलता कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके कारण आपको इससे बचाव ही एक तरीका है जिसके कारण आप कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। तो आप ये गाइडलाइन फॉलो करें क्योंकि अगर आप गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, अगर बाई चांस आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको अगर कोरोना हो भी जाता है तो आप घर में रहें, आइसोलेशन में रहें, क्योंकि आप वैसे भी पूरे दिन में, ये तो है नहीं कि हम पूरे दिन घर वालों के एकदम स्टिक ही रहते हैं, एकदम पास ही रहते हैं, तो इस वैसे भी हम दूर दूर रहते हैं, तो इसलिए आप आइसोलेशन में आसानी से रह सकते हैं। तो आइसोलेशन में रह के कोरोना गाइडलाइन फॉलो करें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार, जुकाम, खांसी, अगर आपको शक होता है कि आपको कोरोना हो चुका है या फिर हो सकता है, तो आप इससे आप पहले ही बचाव करके रखें। यही बचाव ही इसका एक सही तरीका है, क्योंकि अगर ये शरीर के अंदर इंजेस्ट कर गया, शरीर के अंदर चला गया आपके सांस के थ्रू, तो इसमें कोई दवाई काम नहीं करती, आपका अपना इम्यून सिस्टम ही काम आता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घर में रहें और कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करें, लॉकडाउन को फॉलो करें। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर न जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपको एक बार कोरोना हो जाता है तो इसमें, इसका इलाज न होने के कारण इससे डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया तो उसके बाद इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए एज ए गॉड, आप अपनी फैमिली के लिए आज एक भगवान की तरह हैं। इसलिए अपने जीवन के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि जीवन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप आजमाइश नहीं कर सकते। अगर एक बार जीवन चला गया तो उसके बाद आप इसको दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई काम ट्राई करना हो तो काम वो ही ट्राई करें जिसमें आप यू टर्न ले सकें, ये यू टर्न लेने वाला है नहीं, तो इसलिए सेफ्टी रखें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप कोरोना काल में इस लॉकडाउन की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको ये रोमांचक दृश्य कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट करके बताएं।